इंडस्ट्री मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा अज लुधियाना विच साइकिल वैली के अंदर हीरो साइकिल वालों लाए गए प्लांट का उद्घाटन करने लिए विशेष तौर पर तनानंसु साइकिल वैली वल पहुँचे। इस मौके उन्होंने वालों कहा गया कि साइकिल वैली लई मुख रोड भी अज उद्घाटन कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा पंजाब सरकार ने सत्ता विच आउंदिया यह वादा किया कि पंजाब नू इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा अते उसके तहत इंडस्ट्री नू प्रफुल्लित करन लई लगातार पंजाब सरकार वालों उपराले किए जा रहे ने। आज हीरो साइकिल की जो इंडस्ट्री लगी है आज आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम कहीं फॉरेन में हैं। हीरो साइकिल ने जो इन्होंने बोला कि इनके 14 तरह की कंपनियां पूरे 14 कंपनियां पूरे वर्ल्ड में हैं और ये पंजाब में इतना बड़ा ये जो साइकिल वैली बनी है, मैं समझता हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी 2017 में इन्होंने बोला था कि पंजाब इंडस्ट्री हब से भी जाना जाएगा। आज मेरे को उसकी शुरुआत लगती है इससे कि जो साइकिल वैली बनी है, वैसे तो हमारे पास 78,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन ये जो साइकिल वैली बनी है इसको देख के लगता है जैसे इसकी अप्रोच रोड है। जो बाहर से कंपनी आएंगी उनको इंग्लैंड जर्मन जहाँ भी साइकिल का काम होता है इंडिया आके पंजाब में आके कोई फर्क नहीं लगेगा। मैंने इनको शुभकामनाएं दी है, इनकी टीम को शुभकामनाएं दी है, माननीय सीएम साहब का संदेश दिया है, उनकी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आप करना था कल, उन्होंने वैक्सीनेशन ली थी, इसके थोड़ा टेम्परेचर था वो नहीं कर सके, उन्होंने आप करना था तो मैंने शुभकामनाएं दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो यूनिट यहाँ लग रहे हैं 10,000 के करीब बच्चों को यहाँ रोज़गार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो पढ़े लिखे यहाँ जितने भी मैंने इनके एम्प्लॉय देखे हैं ये सारे आजकल जो मशीनरी ऑटोमेटिक मशीनरी है और बहुत अच्छी मशीनरी है, ये हाथ काले करने वाली जो बात नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे जहाँ काम करते हैं अच्छी सैलरी है, 9 से 10,000 लोगों को जो 3 यूनिट लग रहे हैं उनको रोज़गार मिलेगा। और मैं इसके लिए भी इन कंपनियों को मुबारकबाद देता हूँ कि पंजाब की तरक्की के लिए जो रोज़गार है बहुत ज़रूरी है और ये बच्चों को दे रहे हैं, इसके लिए मैं इनको सभी को मुबारकबाद। सर एक लेबर बड़ी तादाद में फिर से जाना शुरू हो गई है, कोविड की वजह से फिर से लॉकडाउन। देखो लेबर की कोई कमी पंजाब में नहीं है, जो स्किल्ड लेबर होती है ना जब वो घर में जाती है तो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम इंडस्ट्री को आती है, पीछे भी आई थी। मैंने अपने स्पीच में भी कहा हमारे पास 252 जो इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है उसमें हमने पिछले कोविड में भी हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक सारी हमारी जितनी भी इंडस्ट्री 232 इंडस्ट्री को हमने चलाने की परमिशन दी थी, लेकिन सभी ने पूरा इंडस्ट्री में सहयोग दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया, जितनी लेबर गई थी मैं तो उनको अतिथि बोलता हूँ, वो हमारे अतिथि हैं। अब तो उनके घर यहाँ बन गए, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो अपने बुजुर्गों को मिलने जाते हैं वापस आ जाते हैं। देखो डर तो होता है ये नहीं, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री डेली बोलते हैं कि इसकी हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन फॉलो करो, मास्क पहनो, बार बार हाथ धो। इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि हम प्रिकॉशन परहेज हो। अब देखो इन्होंने भी बोला कि हमने ज़्यादा कट नहीं किया, मतलब इसकी वजह से कोविड ना फैले, तो अगर हमें कोविड से बचना है तो हमें प्रिकॉशन हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा हमारे भी पंजाबी बाहर से आते हैं, जब कोविड की बात होती है तो हमारे भी पिछली बार 90,000 के करीब बच्चे हमारे वापस आए थे, चले जाते हैं। इसमें कोई आ जाए कि अगर लेबर गई है, वैसे ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हाँ 78,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट होगी, जहाँ दो एक दत्या बिरला यूनिट और एक जेके वालों ने हमारे साथ यहाँ एग्रीमेंट किया, दो यूनिट और लग रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने 9-10,000 की जॉब के लिए रिगार्डिंग ये तीनों यूनिट का बोला। और हमारे पास लैंड पड़ी है और भी काफ़ी कंपनी आ रही है, जल्दी ही आपको एक बहुत अच्छी रिसाइकिल वैली का दिशा आपको मिलेगा। आपने अप्रोच रोड देखी है, मतलब पहले इनको रास्ता और था, अब हमने मेन चंडीगढ़ रोड से इसका रास्ता लगा दिया और आने वाले दिनों में आपको एक नई चीज़ दिख दिखेगी, एक इंडस्ट्री की हब नज़र आएगी। सर अलावा एक नरोत्तम सिद्धू ने आज बयान दिया, वो कह रहे थे बैसाखी पर जो किसान हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनको राहत देनी चाहिए थी। और दूसरा उन्होंने बेहद ही मामले का भी उन्होंने बोला है सर, ये देखिए
किसानों की बात है ना, ये तो वो सेंटर का लीडर है, उनसे पूछिए वो क्यों वहाँ बैठे हैं, हमारी बच्चियाँ बहनें बताएं वहाँ बैठे हैं। हम कितनी बार किसानों के लिए क्या है, माननीय मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट को आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ कि उनकी मांगे हैं, उनको लगता है कि जो कारपेट गुराने हैं, हमारी खेती जो हमारी जमीन है वो चली जाएगी। उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं मांगी, उन्होंने बोला है कि हमें अगर आपने ये कानून बनाए हैं, हमारे जो उनके भी बच्चे पढ़े लिखे हैं जो खेती के एक्सपर्ट हैं, उनको राय लेके दोबारा बना लो। उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं मांगी है, उनको लगता है, डर है कि कहीं उनकी ज़मीन ना चली जाए। वो आंदोलन पे बैठे हैं, उनकी बात मान लेनी चाहिए, आंदोलन ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करता हूँ कि इसको खत्म होने चाहिए। बेअदबी मामले पर उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है उसको जनता तक। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी बयान दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि सिद्धू साहब ने क्या कहा है, जो उन्होंने सिद्धू साहब भी हमारी कांग्रेस का पार्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है, हर एक की अपनी कोई बात होती है। लेकिन यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर लेबर बड़ी गिनती में लेबर आ जी जान रहा 45,000 तो घाटा लेबर जी मांग कर रही है। सर देखो लेबर के लिए जितने भी इंडस्ट्री की लेबर है या मंडिया के अंदर लेबर है, उतने एज की कोई गल नहीं है। ये जो 45 साल तक गल है आम जनरल लोगों लिए, जी फ्रंट लाइन से काम करते हैं, जिन्हें भी हेल्थ के नाल रिलेटड से, उन्होंने सारिया के लग रहे हैं, मंडिया के लग रहे हैं। लेबर जिथे फ्रंटलाइन वर्कर हैगा उत्थे एज का कोई चक्कर नहीं है, बाकी नहीं 45 है, हौली हौली सारे ग्रुप आ जाएंगे वो। लेकिन जो फ्रंटलाइन से काम करते हैं उन्होंने 20 साल तो उपर भी लग सकते हैं। विरोध लगातार हो रहे हैं, गल करिए तो भगवंत मान ने ऑडियो के जरिए गलबात की थी, उन्होंने कहा कि जो सा इंसाफ हैगा उसको लैके भी बात करता। सर विपक्ष बंदा बैठा की बोलेगा, जी की बोलेगा? हुण तो कोई भी विपक्ष होवे उन्हें सरकार से इल्जाम लगाने होंगे ने, गल्लां करनियां होंदियां ने। ये गल नहीं है, पंजाब सरकार लोगों की सरकार है, जो 2017 के असीं वादे किए थे उन्हें पूरे कर रहे हैं और पूरे करांगे, और लोगों जो गल्लां ने माननीय मुख्यमंत्री उन्हें पूरा कर रहे हैं। तुसीं आने वाला समा देखो, विपक्ष को और की करेगा विपक्ष? और विपक्ष ये तो कहेगा नहीं भी सरकार ठीक काम कर रही है, विपक्ष का इल्जाम ही लगाएगा ना, विपक्ष का काम है। ये कोई फर्क नहीं पैंदा, पंजाब के लोग जान रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरकार पूरी लोगों के लिए काम कर रही है। सर संकेत सिंह ढिल्लों ने भी आवाज चुकी कहते भी जो नौकरियां ने, सर जी संकेत सिंह ढिल्लों ने कहते आवाज चुकी है जी नौकरियां, सर वो साढ़े सीनियर लीडर है उन्होंने बारे में। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.